Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. ये कार्यक्रम 10th दुर्गा रंग महोत्सव और ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जिसे हमने ताज नृत्योत्सव का नाम दिया है डॉक्टर राहुल राज जी के सहयोग से मिल्टन पब्लिक स्कूल में हमारे होने जा रहा है 2 दिन का। ये पूरा कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होगा। इसमें आपको बहुत विविध कार्यक्रम, नृत्य की जो विधाएं आपको कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, छाऊ नृत्य, यक्षगान, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक, ये विधाएं आपको इसमें देखने को 2 दिन में मिलेंगी, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे इसमें कलाकार शामिल हैं। गुजरात, बॉम्बे और आपके चेन्नई से हैं, हैदराबाद से हैं और इसमें हमारे 2 सेलिब्रिटी गेस्ट भी रहेंगे। 3 बॉम्बे से सेलिब्रिटी आकर माया नगरी से, जब वो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे कि नहीं भारतीय संस्कृति आगे थी, आगे है और आगे रहेगी, तो एक शायद आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भी उनकी बात सुने, समझे और माने। सिर्फ एक ये वाला मकसद था उन लोगों को। मिल्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी आगरा, जैसा कि हर वर्ष बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास के लिए अथक प्रयास करता रहता है, उसी श्रृंखला में रंग महोत्सव का आयोजन दुर्गा कला अकादमी द्वारा दिनांक 23 और 24 तारीख को मिल्टन स्कूल सभागार में, ज्योति जगत सभागार में होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के रंगकर्मी कलाकार बच्चे आ रहे हैं और इनकी कलाओं का जो अद्भुत प्रदर्शन है, हमें आगरा में पूरे वर्ष में ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल सकता है। साथ ही इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र बॉलीवुड के कुछ स्टार्स रहेंगे, कुछ टीवी सीरियल के कलाकार रहेंगे, जिसमें बच्चों को हौसला वर्धन मिलेगा, उन्हें आने वाले भविष्य में एक नया प्लेटफॉर्म जो आज उनको मिल रहा है उनका भविष्य निर्धारित करेगा कि उन्हें आगे चल के सांस्कृतिक क्षेत्र में कितनी दूर ऊंचाइयों तक जाना है। मैं पूनम जी को, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगरा, ताज नगरी, प्रेम की नगरी है, इसमें पूरे देश के कलाकारों को लाकर एक ऐसा मुकाम हासिल कराया है जिससे एक पहचान देश में ताजमहल के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आगरा की बनेगी।